हाय, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गोल के बारे में, सपना के बारे में, लक्ष्य के बारे में, करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में। हम सब लोग सपना देखते हैं, लेकिन हम सब में से कितने लोग हैं जो उस सपना को पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सपना देखते हैं तो सपना देखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एक होता है कि डायरेक्ट अप्रोच करना किस चीज को पाने के लिए, और उसको पाने का जो जरिया है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और हम लोग डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। जैसे एग्जांपल कि आप जब सोचते हो कि आप आईआईटी करोगे, सोचते हो कि जब आईएएस बनोगे, सोचते हो जब आईपीएस बनोगे, सोचते हो सिविल सर्विस का एग्जाम दोगे, बैंकिंग का दोगे, एसएससी का दोगे, बहुत सारे देखते हो, आपने सोच लिया और सोचने के बाद आपने तैयारी भी करने शुरू कर दी, पर आप ये देखते हो, गौर से ये देखते हो कि जो आप जो पाने की कोशिश कर रहे हो क्या रियली में आपको अच्छा लग रहा है उस सपना को पाने में, यानी जो हासिल करने के दरम्यान जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या फिर जो काम कर रहे हो क्या वो काम अच्छा लग रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई चीज पाने का हासिल करोगे कोशिश करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको अगर रियली सपना रियली अगर आपका सपना अपना है, अगर आपने सिर्फ सोसाइटी को देख कर ही नहीं बल्कि अपने दिल से अपने सपना को चुना है, अपना करियर ऑब्जेक्टिव को बनाया है, अपने गोल को बनाया है, अपना एम को सेट किया है, तो रियली आप कामयाब होगे। दिक्कतें आएंगी, बहुत आएंगी दिक्कतें, पर आप टूटोगे नहीं, आप डटे रहोगे। कभी आपने गौर किया है जब पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, पता है मन आपका डाइवर्ट नहीं होता है, तो नहीं डाइवर्ट होता है, आपको एक एक पॉइंट याद रहता है, एक एक डायलॉग याद रहता है आपको, किसका एंट्री कहां पर हुआ था, स्टोरी में कहां टर्न लेता है, वो सारा कुछ याद रहता है, और आप कभी नहीं चाहते कि उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करे, और हमेशा आपको वो याद रहता है, पिक्चर का सीन, वो पिक्चर की स्टोरी, और पिक्चर के जो ड्रेसिंग सेंस होता है, और पिक्चर का जो लुक्स होता है, मतलब ये एक्टर का एक्ट्रेस का जो लुक्स होता है, हेयर स्टाइल होता है, वो डायलॉग्स होते हैं, क्यों याद रहता है पता है क्यों, क्योंकि आप पता है उसको एंजॉय करते हो। अगर आप उसी तरह से जो भी आपने करियर ऑब्जेक्टिव को बनाया अगर उसको एंजॉय करने लगोगे तो रियली बता रहे हैं आप सपना को पालोगे। पता है दिक्कतें क्या है, हम लोग सपना तो देखते हैं और जब तैयारी करने लगते हैं उसको पाने के लिए, जब हम लग जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं, और दिक्कतों को देखते हुए हम लोग फिर भागने लगते हैं। पर ध्यान रखिएगा, सपना उसी का अपना होता है जो डटा रहता है। अगर आज एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा, वो मिसाइल मैन बने, वो थे क्या, क्या थे वो, कितने स्ट्रगल किए हैं, क्या थे वो, आप इमेजिन करो, आप उनके बारे में पढ़ो, वो पेपर सेल किया करते थे, न्यूज़पेपर, सोचो कितने स्ट्रगल करके वो बने, और आज उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो हमारे राष्ट्रपति बने। वो अगर आपकी तरह वो भी अगर टूट जाते हैं दिक्कतों को देखते हैं क्या कर पाते हैं, वो उतने बचपन से उतने स्ट्रगल किए, और हम आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो मैट्रिक तक स्ट्रगल नाम की चीज नहीं जानते, इंटर तक स्ट्रगल नाम की चीज नहीं जानते, और बल्कि स्ट्रगल कहाँ मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है, किताबें मिल रही है, अच्छे ट्यूशन्स मिल रहे हैं, कोचिंग का हेल्प मिल रहा है हमें, टीचर का सपोर्ट मिल रहा है हमें, स्कूल कॉलेज का, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल रहा है, और घर में जो खाने का जो होता है, जो भी होता है, एक से बढ़कर एक डिशेस हमारे माँ बाप हमें देते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम कामयाब नहीं हो रहे तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बार मौका मिला है इतिहास बदलने के लिए, एक बार बदल दो इतिहास, अपने नाम का इतिहास बना दो, लोग आपके बारे में पढ़े और याद करें, लोग इंस्पायर हो आपकी बातों को सुनकर, लोग इंस्पायर हो आपकी बातों को, आप जो किए हो आपके हिस्ट्री पढ़कर इंस्पायर हो, लोग इंस्पायर हो आपको देखकर, आप क्या थे और क्या बन गए, दूसरों के लिए मिसाल बन जाओ। सबसे बड़ी बात है कि सुबह उठते नहीं हो, एक बार आप सुबह उठ के तो देखो, जब सुबह उठोगे तो रियली बता रहे हैं पहले आपको दिक्कत होगा बट रियली बहुत अच्छा लगेगा। पता है सुबह उठने का है, मान लीजिए 5 बजे 6 बजे उठते हो, हम समय से बहुत सारे लोग उठते हैं 8 बजे उठते हैं,
जाहिर सी बात है कि अगर लेट से उठ रहे हैं तो लेट से नाश्ता भी करेंगे, और लेट से नाश्ता करें तो लेट से लंच भी करेंगे, और लेट से लंच कर रहे हैं तो लेट से डिनर भी करेंगे, और लेट से डिनर करते लेट से सोएंगे भी, और लेट से सो रहे तो लेट से उठेंगे भी। अगर यही चीज टाइमली किया जाए तो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, जो आपको ये तरीका हेल्प करेगा लक्ष्य को हासिल करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में। एक सर्वे, एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई भी काम को 21 दिन तक लगातार किया जाए तो वो आपका आदत हो जाता है। सुबह उठने का नहीं मन करता है, 21 दिन तक लगातार उठो। सुबह उठ के नहीं पढ़ने का मन करता है, नहीं मन करता है, 21 दिन तक लगातार उठ के सुबह 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा किताब खोल के बैठे रहो, नहीं मन कर रहा है अगर किताब खोलने को बैठने का फिर भी बैठे रहो किताब के सामने, कब तक आप बैठे रहोगे? ज्यादा देर तक नहीं बैठे रहोगे, 1-2 दिन बैठे रहोगे, उसका फिर धीरे धीरे करके आपको मन में किताब खोलने का मन करेगा, और इस तरह करते करते आपको आदत लग जाएगा। और मैं बता रहा कि वो चीज पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आसान लगता है, उससे पता एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार पढ़ो, उससे जो आइडिया डेवलप होगा ना अदर सब्जेक्ट्स में अदर बुक्स में अप्लाई करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जिस पढ़ाई से आप भाग रहे हो ना वो पढ़ाई आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा देर के लिए जो मैं बोल रहा हूं उस बात को गौर करना, 21 दिन तक प्लान बनाओ, और प्लान बनाने के बाद उसको फॉलो करो। सुबह उठो, आप सुबह उठ के जॉगिंग करना है जॉगिंग करो, आओ और 2 घंटा कम से कम पढ़ो, आप ज्यादा नहीं 2 घंटा आप पढ़ो, जो पढ़ रहे हो उसको डायरी में लिखो, और ध्यान दीजिएगा जब भी आप पढ़िएगा तो इस नियत से पढ़े कि एक बार आपको मौका मिला है पढ़ने का, ये पढ़ाई बार बार नहीं मौका मिलेगा। जो पिक्चर में जो कंसंट्रेशन रहता है आपका मूवी में, वही कंसंट्रेशन पढ़ाई में लेके आओ, और ये कंसंट्रेशन अचानक नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं एक बार स्टेप लो, डर जाते हो पता है, आपको हराना किसको है? किसी और को नहीं हराना है, अपने अंदर के डर को हराना है। जिस दिन आप अपने अंदर के डर को हरा लोगे ना उस दिन आप जीत जाओगे। इंसान के अंदर डर होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि नहीं? नर्वस होने का डर होता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो नर्वस हो जाएंगे, क्या सवाल पूछेंगे वो लोग, दोस्तों के सामने जाएंगे पढ़ाई की बात करेंगे पता नहीं वो लोग क्या सवाल पूछेंगे, मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। नहीं, आज आप भाग रहे हो ना, जिंदगी भर भागते रहोगे, अगर आज सामना करोगे इन सब सारे सवाल का, क्वेश्चंस का, अपने आप का अगर आप सामना करोगे अगर आज, तो पता है आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, फिर कल से पता है आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता है आपने खुद से डरना बंद कर दिया है। तो सामना करो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, हर ह्यूमन बींग के अंदर पोटेंशियल होता है। आप अगर ये कहते हो कि हमारे माँ बाप इंग्लिश मीडियम में नहीं है, या फिर हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, मैं ऐसा बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जिसके माँ बाप के खानदान में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज ऐसे लोग हैं जो कोई IAS बना है, कोई IPS बना है, कोई IRS बना है, कोई DSP बना है, कोई SP बना है, कोई कलेक्टर बना है, कोई प्रोफेशनल ऑफिसर बना है, कोई NASA में है। सच्चाई का सामना करो, अगर एक बार अगर आप सच्चाई का सामना करोगे, मैं बता रहा हूं आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और सच बोलो, अपने आप से आप सच बोलो, झूठ नहीं बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। पता है सबसे बड़ा झूठ अपने आप से बोलती हो, पता है क्या झूठ बोलती हो? आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो, आपने सपना देख लिया है कि ये बनना है, और पढ़ नहीं रहे हो और आप कहते हो कि अगले साल मेरा हो जाएगा, दूसरों को बताते भी हो कि अगले साल मेरा हो जाएगा, मैं IIT दूंगा, मैं ये एग्जाम दूंगा, ये एग्जाम दूंगा, कहते हो ना, ये सबसे बड़ा झूठ है। अपने आप से सच बोलो, जिस दिन अपने आप से सच बोलोगे ना उस दिन पता है कामयाबी का पहला स्टेप अपने चढ़ गया, सीढ़ी पर चढ़ लिया, सीढ़ी पर अपने कदम रख दिया। आप बहुत खुश नसीब हो, हम लोग रियली में बहुत खुश नसीब हैं, स्पेशली उन लोगों को मैं कह रहा हूं जिनके माँ बाप हैं, जिनके भाई बहन हैं, जिनके दोस्त हैं, जिनके रिलेटिव्स हैं, जिनके जिनके साथ जिनके ऊपर टीचर का सपोर्ट है, माँ बाप का सपोर्ट है, भाई बहन का सपोर्ट है, उन लोगों को जरा देखिए जिनके पर जिनके माँ बाप नहीं है, या फिर भाई बहन नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप लकी हो ना, अपने आप को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा,
और सच्चाई का सामना करो, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करो। पढ़ो आप, सुबह उठो पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, पढ़ो न्यूज पेपर पढ़ना है पढ़ो, 15 मिनट का अगर न्यूज सुनना है सुनो, नहीं अच्छा लगता है फिर भी सुनो। अगर 21 दिन तक लगातार इस तरह करोगे तो आपको पता है ये आदत लग जाएगा, और आगे चल के पता क्या होगा, फिर आपको पढ़े बगैर सुकून नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाए, न्यूज पेपर सुने बगैर आपको सुकून नहीं मिलेगा, सॉरी न्यूज पेपर पढ़े बगैर आपको सुकून नहीं मिलेगा, न्यूज सुने बगैर आपको सुकून नहीं मिलेगा, नोट्स बनाए बगैर आपको सुकून नहीं मिलेगा। सोचो ना, जिस दिन इस तरह की बेचैनी होने लगे उस दिन सोचो कामयाबी आपके जस्ट थोड़ा ही सा दूर पर है। और जब एग्जाम देने जाओगे ना तो पता डरोगे नहीं, पता है क्यों नहीं डरोगे, क्योंकि आप उससे पहले ही सारा चीज का सामना किए रहते हो, घर में बैठ के पढ़ाई किए रहते हो, अपने आप से सच बोले हुए रहते हो, झूठ बोलने का आदत छोड़ चुके होते हो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पढ़ो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हालात खराब होंगे, अगर ध्यान दीजिएगा हालात सिखाता है, हालात से लड़ना सीखना है आपको, हालात से भागना नहीं है। आज अगर भागोगे तो कल भी भागोगे, परसों भी भागोगे, और आप भागते रहोगे पूरी जिंदगी भर। लेकिन अगर आज सामना करोगे ना तो पता है क्या होगा, हिम्मत आएगी, कल भी आप सामना करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा हालात से लड़ना। इसीलिए आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप उठो, उठ के पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2 ही घंटा पढ़ो बट मन से पढ़ो, और ये 2 ही घंटा ध्यान दीजिएगा आपको रिजल्ट दे देगा। धीरे धीरे तो 2 घंटा धीरे धीरे करके तो बहुत ज्यादा आप समय दोगे पढ़ाई में। कभी आपने गौर किया है, आप चाहते हैं कि 5 मिनट मोबाइल टच करो, आप पता है 5 मिनट के पर 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा करते हैं, क्यों, अच्छा लगने लगता है ना। उसी तरह पढ़ाई का भी एक लेवल हो जाएगा आपका, शुरू में नहीं मन लगेगा लेकिन पता है क्या होगा कि मन लगते लगते पता है 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कैसे पढ़ लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और अभी क्या होगी क्वालिटी स्टडी होगा आपका। तो 21 दिन तक प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं, उसके बाद देखिएगा आपको आदत लग जाएगी। थैंक यू।